गोल्ड मेडल जीतने वाले अर्शद नदीम के लिए अब तक कितने इनामात के वादे हो चुके हैं, आइए आपको बताते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले कौमी हीरो अर्शद नदीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतों, अदाकारों समेत कई शख्सियात ने इनामात देने का ऐलान किया। बड़ी तादाद में स्पॉन्सर्स ने उनके साथ काम करने की भी ऑफर दी। ताहम उनके इस कारनामे के बाद से अब तक उनको कितने इनामात से नवाजा जाएगा, तफसीलात सामने आ गई है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने अर्शद नदीम के लिए सिविल अवार्ड हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान किया है, जबकि 14 अगस्त जश्न आजादी की मुनासबत से उनकी खसूसी तस्वीर वाला अजम इस्तकाम डाक टिकट जारी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से कौमी हीरो अर्शद नदीम को 10 करोड़ रुपए बतौर इनाम दिया गया और उनके नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया है। सिंध हुकूमत ने अर्शद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया, जबकि मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने अर्शद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का ऐलान किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की जानिब से पाकिस्तान के अर्शद नदीम को $50,000 की इनामी रकम मिलेगी, जो कि पाकिस्तानी 1,40,00,000 रुपए तक बनती है। ARY मीडिया ग्रुप के CEO सलमान इकबाल की जानिब से अर्शद नदीम को ARY लगुना में लग्जरी फ्लैट देने का ऐलान किया गया है। उनके अलावा निजी बैंक UBL ने 50,00,000 रुपए नकद देने का ऐलान किया। टोयोटा मोटर्स की जानिब से अर्शद नदीम को उनकी लगन और ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए फखर का बायस बनने पर टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार के तोहफे का ऐलान किया गया है। कराची इलेक्ट्रिक ने 20,00,000 रुपए, क्रिकेटर अहमद शहजाद ने 10,00,000 रुपए, पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत अली शिहानी ने इब्तदाई तौर पर ओलंपियन को एक नई ऑल्टो कार का तोहफा देने का ऐलान किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अर्शद नदीम के लिए 20,00,000 रुपए इनाम, जबकि कौमी हीरो को गवर्नर हाउस मधु भी किया गया। सखर के मेयर ने कहा कि अर्शद नदीम को सोने का ताज पहनाया जाएगा और उनके नाम से मंसूब स्टेडियम कायम किया जाएगा। एक निजी TV चैनल ने भी अर्शद नदीम को 10,00,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। आलमी शोहरत याफ्ता गुलूकार अली जफर ने अर्शद नदीम की तारीखी कामयाबी पर अपनी फाउंडेशन के जरिए 10,00,000 रुपए रकम बतौर इनाम देने का ऐलान किया। गुलूकार ने हुकूमत पाकिस्तान से अर्शद नदीम के नाम पर स्पोर्ट्स अकेडमी कायम करने की अपील भी की। पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी पर चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी हीरो अर्शद नदीम को अहले खाना समेत उमरा करवाने का ऐलान किया है, जबकि पाकिस्तान गैस एंड ऑयल ने जिंदगी भर के लिए मुफ्त पेट्रोल देने का ऐलान कर रखा है। अर्शद नदीम के ससुर मोहम्मद नवाज ने अपने दामाद के गोल्ड मेडल जीतने पर इंतहाई खुशी का इजहार किया और उन्होंने गोल्ड मेडल जीतने पर एक भैंस तोहफे में देने का ऐलान किया है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए VNews.PK।